मैं कह रहा हूं कि भगवान सृष्टि में सबसे बड़ा है। ब्रह्मांड में भगवान के समान ही कोई कुछ नहीं है। बड़ा होने का सवाल कहां से उठता है? आप यहां आए हैं कि गुरु बड़ा होता है। मेरा कहना है कि गुरु का बड़ा, गुरु मैंने एक डाकिया, पोस्टमैन, गुरु मैंने एक डाकिया, पोस्टमैन, इससे अलग कुछ नहीं। पिताजी रुपया भेजे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाकिया लेकर बेटे तक पहुंचा दिया। अब डाकिया उस रुपये का मालिक हो गया, डाकिया पूरा सभा हो गया। तो गुरु माने डाकिया, डाकिया समझ, डाकू न समझ ले, डाकिया माने पोस्टमैन, डाक डाक वाला, डाकिया माने ऐसा लोग ही समझ लो कि हम डाकू करो। हालांकि अब तो सब गुरु डाकू ही है, ये भी सही है कि सभी गुरु डाकू है, ये भी सही है कि सभी गुरु की मान्यता वाले डाकू है। समाज का धन और धर्म दोनों लूट रहे हैं। जनमानस का, भगवत भक्तों का धन और धर्म दोनों सब लूट रहे हैं, क्योंकि वह हर कोई चोर बेईमान डाकू है जो भगवान से पृथक अस्तित्व हम हमारा कहता हो, क्योंकि सब चीज तो भगवान का है, सारी सृष्टि भगवान की है, सारे तन मन धन भगवान के है। कि हम हमार को अगर गौरव अस्तित्व कायम करने वाला गुरु का डाकू नहीं तो ईमानदार है, गुरु चोर बेईमान नहीं तो ईमानदार है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से गुरु माने डाकिया, पोस्टमैन, जैसे पिताजी रुपया भेजे आ ला करके वो घर पहुंचा दिया। अब आप सबसे हम जानना चाहते हैं कि पिताजी बड़े हैं जो रुपया भेजे हैं या डाकिया बड़ा है जो रुपया दे रहा है? उस लड़के के लिए कौन बड़ा हुआ? गुरु जी जिस ज्ञान को बांट रहे हैं, जिस ज्ञान के चलते गुरु जी कहला रहे हैं, वो ज्ञान गुरु जी का है कि भगवान का है? भगवान का। वो ज्ञान गुरु जी का है कि भगवान का? मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तो भगवान जी का ज्ञान, भगवान जी के ज्ञान का देने वाला ये बिचौलिया है, गुरु आ गया। ज्ञान है भगवान जी का, कभी गुरु का है कि मैं भगवान से बड़ा हो गया? क्यों भाई, मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान है किसका? तू भगवान का ज्ञान दे रहा है, तेरे ज्ञान में तो भगवान मिलवे नहीं करे, तो तेरा ज्ञान ही झूठा हो गया। आज जब ज्ञान ही झूठा हो गया तो तू झूठा हो गया, आज झूठा हो गया तो तेरी गलती क्या है? झूठा गुरु, अरे झूठा गुरु अजगर भैया लख चौरासी जाए, आ चेला सब चींटी भये कि नोच नोच के खाए, तू हमारा जीवन बर्बाद किया है, तेरे को नोच कर खाएंगे। अरे तू हमारा जीवन बर्बाद किया है, तेरे को नोच नोच कर खाएंगे, यही शिष्यों की गुरु जी की स्थिति होगी। तो कोई धरती का गुरु, हम एक बात और कहे कि जितने भी ब्रह्मांड के देवी देवता है, जितने गुरु जी लोग है, सबको इकट्ठा कर दीजिए। सब तो है ब्रह्मांड में ही ना, और सारा ब्रह्मांड जिस भगवान का, परमात्मा परमेश्वर का एक अंश मात्र है, जिस भगवान का सारा ब्रह्मांड ही एक अंश मात्र है, जिसमें सारे देवी देवता गुरु जी लोग स्थित है, उस भगवान की बराबरी कहां से हुई? बड़ा होने की बात कहां से आ गया? वो चोर लुटेरा डाकू गुरु जो है कहने लगा कि गुरु बड़ा हो गया भगवान से, भगवान की चीज को अपना कह करके, बेईमानी करके, झूठ बोल करके अपना कहा और बांटने लगा, जबकि सौदा भगवान का था। ये ऐसे गुरुओं की ही देन है ये, जो बोले हैं पद बोले, जो दो चार दस मिनट बोल रहा हो। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान एक ऐसी चीज का नाम है, एक ऐसा सर्वोच्च सत्ता शक्ति का नाम है, जो इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सबसे पक्का खिलाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है और सबसे पक्का खिलाड़ी।
गाड़ी है, कांवर बाबा इसको दोहरा दिया। ये सारा ब्रह्मांड है उसका एक खेल है, ये सारा ब्रह्मांड ही उसका एक खेल है। दूसरी बात, तीसरी बात, अरे ब्रह्मेंद्र शंकर तो ब्रह्मेंद्र शंकर है, आदि शक्ति भी उसके इस खेल का रहस्य नहीं जानती, और कौन है जो जानेगा। चौथा बात आ जाइए, जब ये महात्मन जी लोग, ये गुरु जी लोग, ये गुरु जी लोग, ये उपदेशक जी लोग, ये ऋषि महर्षि जो कि जति संत महात्मा आली मौली या प्रोफेट पैगंबर जी लोग उपदेश देते देते, जब दो भाग में उपदेश होता है भैया, लग रहा है तन बढ़ जाएगा, एक मिनट बढ़ जाए तो कोई हरज नहीं। उपदेश दो भाग में होता है, एक मंच की बात जो हम यहां से बोल रहे हैं, इस मंच पर हर कोई परमात्मा परमेश्वर भगवान कहने के लिए मजबूर है, चाहे हम गलत हो या सही हो, हम भले जीव वाले हो या न हो, परमात्मा और आत्मा ये परमेश्वर ईश्वर तो छोड़ दीजिए, हम भले जीव वाला भी ना हो, लेकिन जब उपदेश देने चलेंगे तो इस मंच से हमको परमात्मा परमेश्वर भगवान का नाम लेना ही होगा। क्यों? कि पब्लिक जो है जीव के आत्मा के नाम पर नहीं आती है, ये भगवान के नाम पर आती है, परमात्मा के नाम पर आती है, जीव आत्मा के नाम पर नहीं आती है, गुरु जी का दर्शन करने के नाम पर नहीं आती है। ये झूठ बोल रहा है कि गुरु खोजने निकले थे, भगवान खोजने निकला जाता है, भगवान मिलता है ज्ञान से, इसलिए गुरु खोजा जाता है। हमारा उद्देश्य गुरु खोजने किसी का नहीं होता, कोई गुरु खोजने नहीं आया है, भगवान खोजना है उद्देश्य, वो मिलता है क्योंकि ज्ञान से ग्रंथ बताता है, ज्ञान मिलता है गुरु से, तो लक्ष्य हमारा भगवान खोजना है, माध्यम गुरु खोज रहे हैं, और कर रहे हैं। मूल उद्देश्य क्या हुआ? भगवान खोजना। तो अब रही चीज अभी कह दिया जाए कि गुरु खोजना, हम गुरु मिलाएंगे, गुरु मिल गए, हम गुरु जी है, दर्शन कर लो, एक आदमी नहीं पूछेगा, बल्कि फूल खाने के सिवाय दूसरा कुछ बरसने लगेगा, फूल खाने के सिवाय दूसरा कुछ बरसने लगेगा। हर गुरु जी लोग मंच से भगवान का नाम लेने के लिए मजबूर है, इसलिए मंच वाली बातें तब तक सही नहीं होती, मंच का उपदेश तब तक सही नहीं है जब तक कि दीक्षा वाला ना देखा जाए। उपदेश दो भाग में होता है, एक मंच से दिया जाता है, आ मंच से प्रभावित होने वाले जो जिज्ञासु हैं उनको दीक्षा दिया जाता है, गुप्त ज्ञान, गोपनीय ज्ञान, प्रैक्टिकल। एक भाग होता है सत्संग जो ज्ञान का मंचीय भाग, और दूसरा होता है गोपनीय, जो इसमें जिज्ञासु जो इसमें श्रद्धालु निकलेंगे उनके लिए ज्ञान अलग से दीक्षा के रूप में दिया जाता है, तो उसको कहते हैं दीक्षा। दीक्षा एक ऐसी चीज है जहां ब्रह्मांड का कोई गुरु झूठ नहीं बोल सकता। दीक्षा के अंदर कोई गुरु झूठ नहीं बोल सकता। अपने परिचय देने में गौर कीजिएगा, गुरु का सच्चा पहचान मंच से नहीं होगा, किसी भी ब्रह्मांड के संत महात्मा गुरु का पहचान ये मंच नहीं कराएगा, वो दीक्षा कराएगी, दीक्षा कराएगी दीक्षा। गौर कीजिएगा, किसी भी गुरु का पहचान ब्रह्मांड में ये मंच नहीं कराएगा, दीक्षा कराएगी दीक्षा। बात गौर करेंगे नहीं कर रहे हैं, मंच से हम कुछ बोल जाएंगे, हम बहुत बुरा ही बोल जाएंगे, लेकिन हमारा असली पोलम पोल क्या होगा उस दीक्षा में होगा। वहां कुछ भी नहीं बोल सकते, वहां जो हम होंगे, जो हमारे पास क्षमता शक्ति होगी, जो हमारा परिचय पहचान होगा, वही असली हमारा परिचय पहचान होगा। हमारा
असली निर्धारण वहीं से होगा, किससे? दीक्षा से।